नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हॉल सोल इंडिया। मीडिया ने विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का किया शुभारंभ। विश्व आदिवासी दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली नगर में राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए पाली एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट ने जन जागरूकता तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली आदिवासी छात्रावास परिसर से आरंभ किया गया, जो कि समूचे नगर में भ्रमण कर आयोजन स्थल पर संपन्न हुई। इस दौरान आयोजन स्थल में आदिवासी छात्रों का उत्साहवर्धन के लिए आदिवासी नृत्य गीत भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अपनी बुद्धि विकास के लिए एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट से सवाल भी पूछे, जिसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वह कठिन है। इस दौरान मुख्य अतिथि पाली थाना एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, थाना प्रभारी आर के धारिया, पाली जनपद सीईओ कुंवर कन्हैया, कन्या विद्यालय के प्राचार्य के सिंह, ब्रजेश तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि उक्त आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने में अधीक्षक अर्चना सिंह मरावी, सतीश सिंह ज्योति जायसवाल, लवकेश महरा, युवा समाज सेवी प्रवीण तिवारी, अमित दत्ता, सुशील द्विवेदी, पुष्पेंद्र सिंह आदि की भूमिका सराहनीय रही। रैली भी निकाली गई और साथ साथ आदिवासी डांस भी हुआ, नृत्य हुआ और हर घर तिरंगा निकाला गया। और हम और सबसे निवेदन है कि अपने घर में हर तिरंगा लगा। आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया एवं हर घर तिरंगा के तहत आज तिरंगे झंडे की रैली निकाली गई, जिससे लोगों को राष्ट्रीय हित देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत रहे। और इसी कार्यक्रम के तहत अंकुर योजना के तहत पौधारोपण का भी कार्य किया गया और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, अच्छा रहा। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं इसी के साथ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम में आज पाली नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें तिरंगा यात्रा के साथ साथ बीच में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए एवं ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया गया कि हमें घर 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 तिरंगा लगाना है। इसके साथ साथ इसमें देशभक्ति के गानों का भी प्रस्तुति की गई।